अगर आपको अपनी क्रश को प्रपोज करने में डर लगता है तो फिर यह वाली वीडियो देखो, शायद आपका डर निकल जाए। कितनी प्यारी लड़की है, आई लव यू। साला आज पता चला कि आई लव यू बोलना इतना ज्यादा आसान होता है। अगर भाई इतना आसान होता ना तो हम जैसी उम्र के लौंडे बिल्कुल सिंगल होते ही नहीं, हर के पास एक एक बंदी होती। मुझे अपने बिजनेस पे ध्यान देना है। ओ अच्छा, दीदी बिजनेस भी करती है, वो भी नारियल पानी का। हाय, ये नारियल पानी बेचती है, एक नारियल पानी देना। और शायद आप सबको पता नहीं है कि यह लड़की नारियल में पानी भर कर बेचती है, चूतिया बना रही है। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। मैं भी तुमसे करती हूँ। सच्ची? हाँ, चले गए घूमने। इतनी जल्दी तो साली मैगी बन के भी तैयार नहीं हो, तो जितनी जल्दी ये लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन के तैयार हो गए? साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? पूरी कोचिंग क्लासेस, चोरी चगारी, हफ्ता वसूली, सब सिखा रहे लाए अपना वरुण भाई। टपोरी कोचिंग क्लासेस? आई साहब, कौन सी दुनिया है जहाँ पर चोरी चकारी की भी कोचिंग दी जा रही है और यह लौंडा उसके फार्म खुले में लेकर घूम रहा है। अगर बेटे तुम्हारे पुलिस वालों ने देख लिया तो वही फार्म पकड़ कर तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे। और इन मैडम को देखो, कुछ तो ऐसे हो रहे हैं जैसे वो टपोरी क्लास नहीं आई है, इसकी क्लास चला रहा है, वो भी आधे दाम पर। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, मैं कर लूंगी। ले फिर, सीख जाएगी। तो फिर भाई साहब, यह लौंडा चोरी चकारी के साथ साथ सुट्टा फूकना भी सिखाता है। और अब आप लोग सोच रहे हो कि यह लौंडी इतनी अच्छी दिखने के बावजूद भी और ऐसा बक चोरी क्यों कर रही है? तो भाई साहब, इसका बहुत बड़ा कारण है और वो है क्रिंज शॉट। प्लीज 10,000 रुपए दे दो ना। अबे ओए, पैसे निकाल। काफी दिन है क्लास का, आज वो मेरे को जोड़े कल्टी हो जाएगी। कल्टी हो जाएगी? अबे साले, उसने कल ही तो ज्वाइन किया है और आज कैसे कल्टी हो जाएगी? दो दिन से फोन क्यों नहीं उठा रही हो हमारा? हम घर में रहते हैं। अरे मैडम, तो भैया ने कब कहा कि तुम जंगल में रहती हो? उसने सीधा साधा पूछा कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही। वो सब छोड़ो, हम ना 2 साल से रिलेशन में, हमें ब्याह करना है तुमसे। मजाक समझे हो क्या? हमारे भैया से बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, तो करना लेंगे बात, डरते थोड़ी ना है तुम्हारे भैया से। अच्छा, हमारे भैया को ना इंग्लिश बहुत, इनके भैया को इंग्लिश बहुत पसंद है क्योंकि है अमेरिका में पैदा हुए थे और शायद हागते भी इंग्लिश में हो। तो इंग्लिश में कैसे आगेंगे? अगर तुम उनसे इंग्लिश में बात करोगे तो वो पक्का मान जाएंगे। इट्स ओके। अबे इट्स क्या कर रहा है, पेंट में हग दिए हो क्या? इट्स ओके सेट। तो हेलो ब्रदर, भैया I am very bell-educated boy. क्या कहा? Educated boy. हग दिया. And your beautiful is very sister. इनकी अंग्रेजी सुनकर एक लाइन हमें भी याद आ चुकी है, Your cringe is very video. अरे बाबा! और हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन ये भगवान क्या जुलूम है? आज हिम्मत करके प्रपोज कर ही देता हूँ। I love you. अबे साले, लड़की की शक्ल इतनी भी खराब नहीं है कि तुम ऐसा मुंह बनाकर उसे प्रपोज कर रहे हो। और भाई साहब, प्रपोज करने का यह तरीका बहुत पुराना हो चुका है, अपनी दीदी बताएगी नया तरीका कि प्रपोज कैसे करते हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो तुम हाँ कह दो या फिर दूसरे जन्म के लिए तैयार। अगर इस तरीके से प्रपोज करेंगे तो लड़की का वहाँ पैसा धोएगा, ऐसा धोएगा कि तुम मुरझाए हुए गुलाब जैसे हो जाओगे। अरे भाई साहब, बकचोदी तो कुछ भी नहीं है, जो बकचोदी हम तुम्हें दिखाने वाले हैं ना, वो बकचोदी इतनी भयानक है ना कि नासा वाले भी नहीं समझ सकते। विश्वास नहीं हो रहा तो तुम लोग कुछ समझ के बताओ। सब देखने के बाद हम अपनी आंखें 2 बार हार फिक्स धो चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि यह लोग करना क्या चाहते हैं। भाई इतनी बकचोदी के कारण लोगों में तो चप्पल मारनी चाहिए बहुत बुरी तरीके से। तरीके से लड़की लड़की बदल रही है इतनी स्पीड से, तो हमारे घर के दुकानदार सामान भी नहीं बदल पाते।
इन लोगों की हरकतों की वजह से टिकटॉक आज हमारे बीच नहीं है। और भाई मुझे तो डर है कि ये लोग इंस्टाग्राम और ना ले डूबे। भाई साहब टिकटॉक का नाम सुन के हमें तो रोना आ चुका है, इसलिए आज के लिए वीडियो करते खत्म और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।